बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम के व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुशखुरम होंगे, सेहतियाब होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने घरों में हंसता मुस्कुराता सेहतियाब रखे। इन ढेर से दुआओं के बाद व्यूअर्स, आज जो रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो है मजेदार सी मीठी टिक्कियां। खासकर रजब का महीना शुरू हो गया है, इस महीने में हम मीठी टिक्कियां तैयार करते हैं कुल्लों की खत्म दिलाने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर लूँ। टेस्टी और लाजवाब और मजेदार सी ये टिक्कियां तैयार हो रही है। या बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और टी टाइम पे भी आप मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, उनको बनाकर काफी टाइम के लिए सेव भी कर सकते हैं। चलिए इसके इंग्रीडियंट नोट करते हैं और उसे कुक करने का तरीका भी नोट डाउन कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कम्प्लीट वीडियो को वॉच करने का, अच्छे खूबसूरत कमेंट्स करने का और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरा चैनल है इजी कुकिंग रेसिपी, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी आसान आसान रेसिपी नोट कर लें इजी कुकिंग रेसिपी चैनल पर। चलिए व्यूअर्स, अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मजेदार सी बना रहे हैं मीठी टिक्कियां, इसकी रेसिपी नोट कर लें। व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने एक परांठ ले लिया और उसमें हम डाल देंगे एक बॉल भरकर मैदा, तकरीबन एक पाव के करीब है ये मैदा। और अब हम इसमें डालेंगे सूजी, हाफ बॉल इसमें हम सूजी डाल देंगे। व्यूअर्स, एक छोटा कप हमने भरकर इसमें सूजी का डाल देना है। यहाँ पे व्यूअर्स मैं इसमें खोपरा डालूंगी, तकरीबन दो से तीन बड़े खाने के चम्मच। ये हमारे पास खोपरा है फ्रेश के, वो बिल्कुल बारीक, ये हम इसमें डालेंगे। इससे बहुत जबरदस्त फ्लेवर आएगा। और साथ ही इसमें व्यूअर्स मैं ये व्हाइट तिल है मेरे पास, वो भी इसमें डाल दूंगी। तकरीबन दो से तीन बड़े खाने के चम्मच हमने इसमें व्हाइट तिल शामिल कर देना है। दो तीन बड़े खाने के चम्मच हमने इसमें व्हाइट तिल शामिल कर दिए। इस टाइम पे व्यूअर्स मेरे पास ये इलायची पाउडर है, वो भी इसमें डालेंगे हम। व्यूअर्स, मैं इसमें हाफ पिंच इलायची पाउडर शामिल कर दूंगी क्योंकि इसका भी बहुत मजे का फ्लेवर होता है। चाहे तो अगर आपके पास इलायची है तो आप उसके दाने निकाल कर उसको पीस कर इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे व्यूअर्स घी, तकरीबन तीन से चार बड़े खाने के चम्मच। व्यूअर्स, मैंने इसमें डाल देना घी, घी से बहुत मजे की टिक्कियां बनती है ये। दो तीन बड़े खाने के चम्मच हमें इसमें घी को शामिल कर देना है इस पॉइंट पर। यहाँ पे व्यूअर्स मैंने एक कप भर कर चीनी का ले लिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा शीरा बना लूंगी, तकरीबन एक गिलास ही पानी लेकर इसको चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे और फिर हम इस सारे बैटर को अच्छे से इसमें गूंद लेंगे। इस टाइम तक ये चीनी का शीरा बनाती हूँ और फिर जब तक ये चीजों को भी मैं मिक्स कर लूंगी। व्यूअर्स, एक देशी में मैंने ये एक भरकर चीनी का डाल दिया और उसमें हम पानी डालेंगे। व्यूअर्स, ये हाफ कप मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया ताकि इसका अच्छा सा शीरा बन जाए। अब मैं फ्लेम पर रख दूंगी इसको बनने के लिए। व्यूअर्स, शीरा बनने के लिए मैंने फ्लेम पर रख दिया है। उस टाइम पे इस टाइम तक मेरे पास हाफ टी स्पून मेरे पास है ये बेकिंग पाउडर, वो उसमें शामिल कर लेंगे ताकि मजेदार खस्ता और अच्छी सी मटिया तैयार हो। इस टाइम पे मैं इसको हाथों से अच्छे से सारे बैटर को मिक्स कर लूंगी ताकि सारा बैटर एक साथ एक जान हो जाए, बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। जैसे ही मिक्स हो जाएगा फिर उसके बाद मैं व्यूअर्स को अच्छे से शीरे से गूंदूंगी बैटर को। इस टाइम व्यूअर्स, ये मैंने सारे बैटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पे हमारा शीरा भी अच्छे से तैयार हो गया। मैं आपको दिखा दूँ साइड पर, और ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने शीरा तैयार कर लिया है। इसको थोड़ा ठंडा कर लूंगी फिर उसके बाद मैं आपको इसे अच्छे से बैटर बना के दिखाऊंगी। मीठी टिक्कियों का ठंडा होने पर हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे। उस टाइम पे मैंने शीरे को अच्छे से ठंडा कर लिया है, थोड़ा थोड़ा मैं इसमें शामिल करूंगी और फिर इस बैटर को हम गूंद लेंगे अच्छे से। एकदम से हमने सारा शीरा इसमें शामिल नहीं करना क्योंकि हमने इसको अच्छा सा थिक थिक बनाना है। थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे इसमें। व्यूअर्स, इस तरह के हमें डो चाहिए, ये इतना ही थिक चाहिए। व्यूअर्स, बहुत जबरदस्त हमारे डो स्टम पे कम्प्लीट तैयार हो चुकी है। तो देखिए व्यूअर्स, इतनी सख्त होनी चाहिए। इसको थोड़ी सी देर हम रेस्ट के लिए छोड़ेंगे और फिर उसके बाद हम इसको अच्छी सी शेप देकर मज़ेदार सी टिक्कियां तैयार करेंगे। और इसको मैं रख लूँगी थोड़ी देर, 5 से 10 मिनट के लिए। व्यूअर्स, ये देखें माशाल्लाह 10 से 15 मिनट हो चुके हैं डो को बने हुए, जबरदस्त बेहतरीन डो होगी है तैयार। इस टाइम पे व्यूअर्स मैं यहाँ सर्फेस पे डालूंगी मैदा, डस्ट करूंगी क्योंकि अब हम इसको अच्छी सी टिक्कियां बनाएंगे। और साथ ही फ्लेम ऑन कर लूंगी, कढ़ाई में डालूंगी ऑयल या तेल डालें इनको टिक्कियों को फ्राई करने के लिए।
6 को व्यूज मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी। ऐसे में बस मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लूंगी ऐसे दो को, और एक बड़ा सा पेड़ा बनाकर इसकी हम रोटी बड़ी सी बेल लेंगे, क्योंकि हम इसको डिफरेंट शेप देंगे मजेदार सी टिकिया बनाने के लिए। व्यूअर्स हमने रोटी बेल ली है, अब हम इसको फ्लावर शेप में कट करेंगे। आपके पास जो भी है कटर, आप इजी इसको डिफरेंट शेप देकर कट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो व्यूअर्स नॉर्मल घर में स्टील का ग्लास होता है, उससे भी आप इसकी गोल गोल शेप दे सकते हैं। व्यूअर्स ये एक्स्ट्रा मार्जिन में सारा उठा लेना है, इसको फिर दोबारा से हम रोटी बेल लेंगे। इस टाइम फिर मैं इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा तेल भी ऐसा रख दूंगी। इसी से हमने मजीद और टिकिया बनानी है, इस पेड़े को बना लेंगे और टिकिया से तैयार करते जाएंगे। देखिए फ्लावर शेप में भी और ये हार्ट शेप में भी। देखिए बस मैंने रोटी बेल ली और सारे तेल मैंने इसके ऊपर डाल दिए। अब मैंने रोलिंग पिन से इसको अच्छे से इसके ऊपर चिपका देना इन सारे तिलों को। किसी भी प्लेट से या छोटी प्याली से किसी ऐसे गोल सर्कल में भी कट कर सकते हैं इसको ऐसे घुमाकर। चलिए व्यूअर्स अब इन सब टिकियों को हम फ्राई करके दिखाते हैं। व्यूअर्स इस टाइम पे पैन में मैंने ऑयल डाल दिया और ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया। इस टाइम पे हम इसमें टिकियां डाल देंगे इनको फ्राई होने के लिए। ज्यादा हमने इसका टेम्परेचर नहीं रखना ताकि ये टिकियां अच्छा सा कलर ले लें और ये ना कि अंदर से कच्ची रहें और बाहर से जल जाए, ऐसा नहीं करना आपने। देखिए बस माशाल्लाह अच्छा सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया। इस पॉइंट पर मैं इसको उतार लूंगी स्टार शेप में। कितनी जबरदस्त से टिकियां स्टैंड पर तैयार हो गई हैं। इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे और फिर इसके बाद ये माशाल्लाह सॉफ्ट और मजेदार से तैयार होंगी। ये देखिए बस ये दूसरा पैच में इसमें डाल दिया अच्छा सा, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है इस टाइम पे। बहुत टेस्टी और मजेदार से ये टिकियां तैयार होने वाली हैं। आपने बगैर स्किप किए कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है और इसको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। बहुत इजी और आसान रेसिपी है ये। पैन के टेम्परेचर को थोड़ा स्लो करेंगे ताकि मजीद टिकियों को फ्राई हो। देखिए बस जी इस टाइम हमारी मजेदार सी टिकियां तैयार हो चुकी हैं। अब मैं इनको अच्छे से सर्व करूंगी आपको खूबसूरत से लेटर में। ये देखें फ्लावर हार्ट शेप और स्टार शेप में कितनी खूबसूरत सी मैंने टिकिया बना ली है। खस्ता और टेस्टी मजे लें, टेस्ट करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी। टेस्टी और बहुत ही मजे की जो आज मैंने आपके साथ शेयर की है इजी। देखिए बस माशाल्लाह क्या जबरदस्त सी मैंने आपके लिए रेसिपी शेयर की और जबरदस्त सी आपके लिए मैंने टिकियां तैयार की हैं। रजब के महीने के हवाले से कुंडों की खत्म के लिए आप मजेदार सी टिकियां बना सकते हैं। इसी के साथ व्यूअर्स अब आपसे इजाजत चाहूंगी। ढेर सारी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।